आज के इस वीडियो में बात बात करेंगे कि इस तरह का जो ईयरफोन होता है उसको आप कैसे एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो को दूर से शूट करते हैं तो इसकी वायर जो होती है काफ़ी छोटी होती है और उतनी दूर तक आप वायर को नहीं ले जा सकते, जिसकी वजह से वॉइस की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। कि कैसे आप ईयरफोन की वायर को बड़ा कर सकते हैं और अपने कॉलर में लगा के आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं एज अ माइक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपको इस तरह का एक वायर ले लेना है, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बहुत ही आसानी से 10-5 रुपए में, जहाँ पे रिपेयरिंग मोबाइल का रिपेयरिंग वगैरह होता है वहाँ पे जाएं तो आपको इस तरह का वायर मिल जाएगा। इसमें 4 वायर होता है, अब ज़रा देखिए इस तरह से 4 वायर, इसमें 4 वायर होता है ईयरफोन में भी, और ईयरफोन में भी इसमें 4 वायर होता है। तो हम बीच में काट के इसको कनेक्ट करेंगे और ये काफ़ी लंबा वायर है, तो पूरा आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए, तो ऑलराइट गाइस, तो अब ईयरफोन को काटते हैं और इसके लिए चाहिए आपको एक कैंची, ये कैंची एक फेविक्यूक और ईयरफोन और इस तरह का एक वायर। तो गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईयरफोन को ले लेना है। मैंने ऑलरेडी पहले से काट चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस तरह की जो वायर होती है इसको आपको क्या करना है कि चारों साइड, मैंने जितने भी दोनों साइड आपको छील लेना है इस तरह से। इस तरह से मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ईयरफोन की जो चारों वायर होती है वो निकाल लेना है, तो मैं फटाफट से उसको निकाल लेता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, तो इसके लिए आपको एक माचिस भी चाहिए, तो अब माचिस से इसको छील लेते हैं, क्योंकि ये टायर जो होता है इसमें एक थोड़ा सा कवर होता है, तो इसको ऐसे जला के हम क्लियर कर लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर चुका हूँ, इसके ऊपर जो कवर होता है इस माचिस की तिली की मदद से इसको जला के मैंने क्लीन कर चुका हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं बिल्कुल सही से सारा कुछ, यहाँ यहाँ जितने भी जगह कट था मैंने यहाँ सही से जोड़ चुका हूँ। अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अभी आप बिना ईयरफोन का ऑडियो सुन रहे हैं, तो अभी हम ईयरफोन को प्लग इन करते हैं। तो चलिए प्लग इन करो, ओकरा मत देखा। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी आपको आवाज़ बेहतर मिल पा रही होगी, तो अभी आप आवाज़, तो ऑलराइट गाइस, तो कुछ इस तरीके से आप अपने ईयरफोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ माइक, और इसकी वायर भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस तरह से मैंने फेविक्यू की मदद से यहाँ पे सारा कुछ सही से मैंने ऐड यानी कि जोड़ चुका हूँ, और इसकी वायर काफ़ी लंबी है, तो आप चाहे जितनी दूर से आप चाहें शूट करना आसानी से शूट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। अभी अगर इसी तरह से वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, तब तक जय हिंद जय भारत।